शान्तिः। योग शास्त्र में आप सबका स्वागत है। हमने दो पाद अब तक स्वाध्याय किए, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली। हमारे को इन दो पादों का यदि हम सिंहावलोकन करें तो दृष्टा और दृश्य से संबंध, दृष्टा और दृश्य से संबंधित और उनका संयोग, दृष्टा का स्वरूप, दृश्य का स्वरूप, दुख, दुख से मुक्ति, समाधि, क्लेश, चित्त, चित्तवृत्तियाँ, चित्तवृत्तियों को निरोध करने का उपाय, अभ्यास और वैराग्य, ईश्वर प्रणिधान, साधक के मार्ग में बाधाएं, उन बाधाओं को निवारण करने के लिए उपाय, प्रतिपक्ष भावना और चित्त को शोधन करने के लिए मैत्री, करुणा, मुदिता आदि उपाय, ये बहुत सारे विषय। इन सब को यदि हम एक एक पर विचार करें तो एक बड़ी श्रृंखला तैयार हो रही है, एक एक बड़ा इसके चित्र हमारे सामने उभर करके आ रहे हैं। यदि हमारे को योग दर्शन के इस रास्ते पर आगे बढ़ना है, योग दर्शन के द्वारा बताए गए इस योग शास्त्र के द्वारा संकेतित इस मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है तो अपने चित्त की जो गति है, चित्त की जो क्रियाएं हैं, उनको धैर्य से हमें समझना होता है। चित्त में जो वृत्तियां चल रही हैं, निरंतर सतत वृत्तियां चल रही हैं, चित्त कुछ जान रहा है। तो एक बार मैं जो दूसरे पाद का प्रारंभ में कुछ सूत्र हैं, चार पांच सूत्र हैं, उनके बारे में फिर एक बार चर्चा कर रहा हूं, जिसको हम क्रिया योग कहते हैं। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीन बिंदुओं को क्रिया नाम, क्रिया योग नाम दिया गया है। हमारे शरीर में तप के भाव आए और हमारा निरंतर जो चित्त है वो स्वाध्याय की स्थिति में रहे। स्वाध्याय का मतलब होता है जो विशेष मंत्रों का जो जप होता है उसको स्वाध्याय कहते हैं, और उसके साथ जो अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए जो शास्त्र होते हैं उनको भी स्वाध्याय नाम दिया गया है। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का मतलब है भगवान से प्रेरित होकर के हमारे को सब कार्य करने। अच्छा, एक समस्या आप लोगों की तरफ से और बाहर के लोगों की तरफ से भी एक समस्या हमारे सामने रखी जाती है, ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमारी इंद्रियां बिल्कुल चुप रहें, शांत रहें। इंद्रियों की तरफ से हमारे को जो धक्के खाने पड़ते हैं वो ना खाने पड़े, हमारी इंद्रियां शांत रहें। तो इसके लिए योग दर्शन में तो कहा ही है, उसको उससे अलग हम क्या कह सकते हैं, उसी को हम हेर फेर करके प्रस्तुत करते रहते हैं। तो उसके लिए ये समझ सकते हैं कि जैसे ईश्वर प्रणिधान की बात कही जाती है कि मैं हर एक कार्य ईश्वर की तरफ से प्रेरित होकर के करूंगा। इस संकल्प को हम बार बार अपने अंदर दोहराएं, ईश्वर से प्रेरित होकर मैं प्रत्येक कार्य करूंगा। तो इंद्रियों के जो विषयों को भी मैं ईश्वर से प्रेरित होकर के ही ग्रहण करूंगा।
ईश्वर की जैसी प्रेरणा होगी तो ईश्वर की प्रेरणा कभी भी इंद्रियों में आसक्त होने के लिए नहीं होगी। इंद्रियों में जो आसक्ति है, इस शरीर के साथ हमारा अहम जब जुड़ जाता है तो फिर हमारे को वो चीजें बीच में आती हैं। शरीर के साथ हमारा अहम जुड़ करके इंद्रिय विष्णु की कामनाएं हमारे बीच में आती हैं। तो जब हम ईश्वर से प्रेरित होकर के करते हैं हर कार्य, मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरा चलना, बैठना, उठना, सारा ईश्वर की प्रेरणा से होगा। यदि हम ऐसा निर्धारित कर लेते हैं तो फिर हमारे सामने वो जो समस्याएं आती रहती हैं वो नहीं आएंगी। तो यहाँ क्रिया योग की बात कही, आप तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा कहते हैं, ना अतपस्विनो योगा सिद्ध्यति, जो अतपस्वी है उसको योग सिद्ध नहीं होता। अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा, अनादि कर्म और क्लेश की वासनाओं से भरी हुई और विषय जाल को उपस्थित करने वाली, स्त्रीलिंग में अशुद्धि के साथ जुड़ रहा है ये प्रत्युपस्थित विषय जाला, विषय जाल को उपस्थित करने वाली रजस तमोमयी जो अशुद्धि है, अशुद्धि का मतलब ये है कि रजसमयी और रजोमयी और तमसमयी, अशुद्धि के दो रूप, रजोगुण और तमोगुण, तमोगुण मानी जड़ता, रजोगुण मानी चंचलता, ये अशुद्धि के दो रूप है योग दर्शन के संदर्भ में, और शुद्धि का एक रूप है सत्वगुण की वृद्धि। शुद्धि मानी सत्वगुण की वृद्धि, सत्वगुण की वृद्धि का मतलब प्रकाश या ज्ञान की वृद्धि, रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि का मतलब जड़ता और चंचलता की वृद्धि। हमारे मन में क्रिया की जो वृद्धि है, गति की जो वृद्धि है, इसको कहते हैं रजोगुण की वृद्धि। और जड़ता की वृद्धि, जड़ता की वृद्धि कैसे समझेंगे, जड़ता की वृद्धि को ऐसे समझिए जैसे मैं कोई बात बोल रहा हूं, योग सूत्र समझा रहा हूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आती है, तो इसका मतलब बुद्धि में उतना जड़त्व है कि वो संकेतों को समझ नहीं पा रही है। वो जो शास्त्र के संकेत को समझने के लिए भी बुद्धि की जड़ता टूटनी चाहिए, और फिर हमारे अंदर जो चेतन और जड़, इन दोनों के विभाग को समझना, ये तो एकदम से जड़ता समाप्त होनी चाहिए। थोड़ी सी भी जड़ता बाकी है तो बुद्धि फिर चेतन और जड़ के भेद को कभी भी अनुभव नहीं कर सकती है। जड़ और चेतन का भेद अनुभव करने के लिए दो चीजें खत्म होनी चाहिए, पूरी की पूरी खत्म होनी चाहिए, एक तो बुद्धि की जड़ता और एक बुद्धि का रजोगुण, बुद्धि की चंचलता। ये दो चीजें पूरी की पूरी 100% खत्म होनी चाहिए। फिर आप कहोगे, तुरंत आपकी तरफ से ये प्रश्न आएगा कि जब हम रजोगुण और तमोगुण को समाप्त करने की बात कहते हैं और एक तरफ यूं कहते हैं कि तीन गुण साथ साथ रहते हैं, कभी भी एक अकेला गुण नहीं होता है, सत्वगुण होता है तो उसके साथ रजोगुण तमोगुण होता ही है, और फिर एक तरफ ये कहते हैं कि पूर्ण रूप से रजोगुण तमोगुण की समाप्ति, उसका एक विशेष तात्पर्य है। सत्वगुण को प्रकाशित करने के लिए, सत्व गुण को भी बनाए रखने के लिए किंचित तमोगुण की आवश्यकता है, उतना तो वो रहेगा वहां पर, या उसको गति देने के लिए, एक एक क्षण में गति देने के लिए, उस प्रकाश को एक क्षण से दूसरे क्षण तक पहुंचाने के लिए उस प्रकाश को क्रिया की आवश्यकता है। क्रिया के माध्यम से ही प्रकाश क्षण क्षण में आगे बढ़ रहा है, तो उतनी तो रहेगा। तो जब ये कहा जाता है कि रजोगुण और तमोगुण की पूर्ण समाप्ति, तो इसका मतलब ये है कि सत्व को प्रकाशित करने के लिए जितना रजोगुण तमोगुण आवश्यक है उतना ही बस, उससे ज्यादा नहीं। सत्वगुण को प्रकाशित कर रखने के लिए भी, उसको धारित करने के लिए भी, उसको आगे गति देने के लिए भी, जैसे एक एक क्षण में, एक क्षण में प्रकाश है हमारी बुद्धि में, फिर दूसरे क्षण में भी प्रकाश चाहिए,
फिर तीसरे क्षण में भी प्रकाश चाहिए, चौथे क्षण में भी प्रकाश चाहिए, पांचवें क्षण में भी प्रकाश चाहिए। ये जो एक एक क्षण में प्रकाश की जो उपस्थिति है वो रजोगुण के माध्यम से ही होती है, वो क्रिया के माध्यम से ही होती है। यदि क्रिया नहीं होगी तो वो एक एक क्षण में जो प्रकाश हमको मिल रहा है वो कहां से मिलेगा। इसी तरह से वो जो सत्व है, वो जो प्रकाश है, उसको धारित करने के लिए, वो धारित रहने के लिए, नहीं तो वो उसके उसकी जो सत्ता को धारण करने के लिए भी तमोगुण की आवश्यकता है, आधार चाहिए। तो इस तरह से रजोगुण और तमोगुण की जो थोड़ी सी आवश्यकता है वो तो अपेक्षित है ही, और वो हमें वो रहती है, अकेला सत्वगुण रह नहीं सकता है। तो रजोगुण और तमोगुण की पूर्ण समाप्ति का ये अर्थ है कि जो हमारे उस सत्व के मार्ग में जो बाधक रजोगुण और तमोगुण है, सत्वगुण के मार्ग में जो बाधक, अर्थात सत्वगुण जब ज्यादा क्रिया बढ़ जाती है तो सत्वगुण अपने आप ही कम हो जाता है, ज्यादा तमस बढ़ जाता है तो सत्वगुण अपने आप ही कम हो जाता है। तो उसको कम करने वाले जो उसकी मात्रा है रजोगुण और तमोगुण की, उसको योग शास्त्र में अशुद्धि कहा है। और सत्वगुण की जो चरम सीमा है वो जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक एक्सट्रीम जो स्थिति है सत्व की, उसको विवेक ख्याति कहते हैं, उसको प्रसंख्यान कहते हैं, उसको सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति कहते हैं। कितने शब्द बोले मैंने, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, विवेक ख्याति, प्रसंख्यान, इन शब्दों को संकेत हमें समझने। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, पुरुषान्यता ख्याति, ये एक शब्द है, विवेक ख्याति, इसी को प्रसंख्यान कहते हैं। इसी को विवेक ख्याति, विप्लव रहित विवेक ख्याति, विशेषण डाल दिया विवेक ख्याति के साथ में, विप्लव रहित विवेक ख्याति, प्रसंख्यान। एक इसके लिए बोला जाता है प्रज्ञा, रितंबरा प्रज्ञा, ये चार शब्द मैंने लिखे यहां पर, प्रकारांतर से ये चारों शब्द एक ही बात को बता रहे हैं। इन चारों में क्या स्थिति होती है हमारी बुद्धि की, सत्वगुण अपनी चरम सीमा में पहुंच जाता है, रजोगुण और तमोगुण जो बाधक रूप है उनका सारा वो छंट जाता है। इसी को चित्त की शुद्ध स्थिति कहते हैं, चित्त की निर्मल स्थिति, चित्त की, चित्त मानी बुद्धि, बुद्धि की पूर्ण निर्मल स्थिति। चित्त की, बुद्धि की पूर्ण निर्मल स्थिति होती है हमारी। किसी एक एक संत को जब हम देखते हैं, रमण महर्षि को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये स्थिति उन्होंने प्राप्त कर ली थी। अरविंद को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कैसा उनका चित्त अपना, उनका हमेशा हमेशा ऐसे समाधि में रहते थे एक क्षण के लिए भी। और स्वामी दयानंद का जो कार्य क्षेत्र है वो ऐसा लगता है कि संघर्ष से परिपूर्ण है, लेकिन अपने अंदर वो ही निर्मल स्थिति में वो जी रहे थे। बाह्य जो उनका व्यक्तित्व है, शास्त्रार्थ कर रहे हैं, किसी का खंडन मंडन कर रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है, आक्रमण हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर उनके वो प्रेम, मानवता के प्रति जो प्रेम है, वो बहुत ही ज्यादा भ्रमण किया उन्होंने, और उस भ्रमण के कारण से जगह जगह अपना उल्लू सुविधा करने वाले, अपने
मनोरथ पूरा करने वाले, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले लोगों के दृश्य देखे, इसलिए उनके दिल में थोड़ा कष्ट हो गया। तो उस रूप ने उनको ऐसा आक्रामक बना दिया कि जो भोले भाले लोगों को लूटते हैं, उनको चूसते हैं, उनका शोषण करते हैं, तो उन वो जो लूट रहे लोग थे और लूटने वाले दोनों के प्रति उनको करुणा आ गई। लूटने वालों के प्रति भी उनकी करुणा ही है कि आप लोग क्यों अपने जीवन को खत्म कर रहे हो, और जो लूट रहे हैं उनके प्रति भी करुणा। तो उन दोनों के प्रति जो करुणा का बढ़ा हुआ जो स्वरूप है उसका ही दृश्य उनके अंदर प्रकट हो रहा है। अंदर जो है प्रेम है, पर वो प्रेम जो है वो एक एक सर्जन के रूप में प्रकट हो रहा है। उनके हृदय में जो प्यार है वो सर्जन के रूप में प्रकट हो रहा है। तो इसलिए महापुरुष, सभी महापुरुषों को जब हम देखते हैं, रामकृष्ण परमहंस, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, आचार्य शंकर, इन सबको जब देखते हैं, इनका चित्र जब हमारे सामने आता है कि कितना उन्होंने अपने चित्त को निर्मल कर लिया। एक क्षण के लिए भी उनके चित्त में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, राग नहीं है, एक क्षण के लिए भी किसी संसार के पदार्थ में उनको मोह नहीं होता है, संसार की किसी वस्तु में उनको आसक्ति नहीं होती है। संसार की दिव्य अदिव्य कितनी भी बड़ी चीज है उसका आकर्षण एक क्षण के लिए भी नहीं हो रहा है। ये जितने भी चित्र मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं महापुरुषों के चित्र, ऐसा उन्होंने अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को बना लिया है। तो ये हमारे को वो प्रबोध दे रहे हैं, हमारे को भी दिशा दे रहे हैं कि हम जिस रास्ते से चले हैं तुम भी इस रास्ते से चलकर हमारे पीछे पीछे आ सकते हो। मार्ग खोल दिया है हमारे लिए, एक मार्ग खोल दिया है कि मनुष्य वहां तक पहुंच सकता है, संभावना खोल दी है। उन लोगों ने एक रास्ता खोल दिया है कि निराश होने की बात नहीं है, तुम भी इस रास्ते से आगे आ सकते हो। पर एक नियम होता है, आईएएस परीक्षा में कौन उत्तीर्ण होगा, वही होगा जो उसके लिए जिसने अपनी पूर्ण तैयारियां की हैं और उनके उस विषय को जिसने आत्मसात किया है और उसके लिए जितना परिश्रम अपेक्षित है वो किया है, उसको वो चीज मिलेगी, बाकी पीछे रह जाएंगे। उसके लिए जितनी मेहनत की, परिश्रम की आवश्यकता है वो जिसने की है उसको वो चीज मिलेगी, दूसरे पीछे पिछड़ जाते हैं। तो इसी तरह से इस रास्ते में भी ये जो स्थिति है ये मिलती है, लेकिन इसके लिए जितना मेहनत परिश्रम अपेक्षित है वो हम करेंगे तो ये चीज मिलेंगी। ऐसा नहीं कि किन्हीं चीज किन्हीं व्यक्तियों को अचानक मिल गई, उन पर अकारण कृपा हो गई भगवान की, ऐसा नहीं। अकारण नाम की कोई चीज नहीं है। भगवान के घर में जो एक शब्द सुनने के लिए मिलता है, अहेतु की कृपा, उसका भी कुछ अर्थ है। अहेतु की कृपा का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उनके सिर के ऊपर एक ऐसा ताज रख दिया है जो बस वो अचानक उन्हें उठाया, वो ताज भगवान ने उठाया और उसके सामने वो व्यक्ति था, बस रख दिया उसके ऊपर, दूसरे देखते रह गए, ऐसी बात नहीं। वो इतने योग्य थे, वो इतने पात्र थे इस बात के, इसलिए उनको वो चीज मिली है। तो हम भी यदि उनकी तरह ही परिश्रम करें, उनकी तरह ही मेहनत करें उस विषय में, हम जिस जिस मार्ग में परिश्रम करते हैं, हम इस रास्ते में चलते हुए जिस जिस चीज के लिए परिश्रम करते हैं वो चीज हमें मिलती है। धन के लिए परिश्रम करते हैं, हमें धन मिलता है। बल के लिए परिश्रम करते हैं, बल मिलता है। हम जो है विद्या के लिए परिश्रम करते हैं, विद्या मिलती है। चित्त की इस निर्मल स्थिति के लिए यदि प्रयत्न करें, इस स्थिति को पाने के लिए
संसार में सबसे कम लोग सक्सेस होते हैं। दूसरी दूसरी चीजों के लिए धन के रास्ते पर बहुत सारे सक्सेस हो रहे हैं, धन के रास्ते पर बढ़ने वाले, आगे बढ़ने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको। बल के रास्ते पर भी आगे बढ़ने वाले बहुत लोग मिलेंगे। सामाजिक जो प्रतिष्ठा है उस रास्ते में भी आगे बढ़े हुए लोग बहुत मिलेंगे आपको, जिनकी समाज में पहचान है, ऐसे हजारों लोग मिलेंगे। संसार के इतिहास को हम देखते हैं, जब संसार के स्वरूप को जब हम अवलोकन करते हैं, तो कितने लोग हमारे ज्ञान में है कि ये आदमी अपने क्षेत्र का कितना मजबूत आदमी है, कितना आगे बढ़ा हुआ है, ये आदमी कितना मजबूत है, ये आदमी कितना प्रसिद्ध है, ये आदमी कितना प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्धि के क्षेत्र में भी एक से एक आगे बढ़े हुए लोग मिलेंगे। लेकिन ये जो मैंने बात लिखी है, सत्व पुरुष अन्यथा गाति, चित्त का निर्मल, चित्त की पूर्ण शुद्धि, इस स्थिति को प्राप्त करने वाले लोग इस दुनिया में सबसे कम हैं। क्यों है ऐसा, स्थिति क्यों है ऐसा, क्यों है कि इस चीज में सबसे कम है और सारी चीजों में खूब खूब ढेर सारे मिलेंगे, पर इसमें कम क्यों है? चित्त की निर्मल स्थिति वाले जो लोग हैं, पूर्ण निर्मल, आंशिक रूप से निर्मल वाले तो बहुत हैं। आंशिक रूप से जिनका चित्त निर्मल है ऐसे लोग बहुत हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि अंतिम निर्मलता, अंतिम निर्मलता वाले, कि उससे ज्यादा और चित्त का कुछ हो ही नहीं सकता है। निर्मलता करते 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 कहते अब इससे ज्यादा निर्मल नहीं हो सकता। और तो ऐसी जो स्थिति प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं वो सबसे कम है। क्यों है ऐसा, सबसे कम क्यों है? इसका कारण यह है कि ये इसके लिए इस रास्ते में कष्ट है, ये बात नहीं कि इस रास्ते में बहुत ही कष्ट है इसलिए कम है। कष्ट से भरा हुआ रास्ता यदि ये हो तो ये लोग भी क्यों चलेंगे? कष्ट तो नहीं है, कष्टों से तो मुक्त होने के लिए वहां जाते हैं, कष्टों से ऊपर उठने के लिए वहां पर उस रास्ते पर चलते हैं। बात यह है कि हमारी जो बुद्धि है, इसका जो उत्तर मैं आपके सामने रख रहा हूं, बात इतनी ये नहीं है कि ये रास्ता बहुत ही कंट का कीर्ण है, कष्टों से भरा हुआ है, बाधाओं से भरा है, इसलिए जो है उस रास्ते में कम सक्सेस होते हैं। बात जो इसमें है वो यह है कि हमारी बुद्धि का जो रजोगुण है और तमोगुण है, बुद्धि में जो जड़ता है, हमेशा हमारी बुद्धि तमस से छाई हुई होती है, इनमें ही रहती है। तो हमारी बुद्धि जो है, ये जो एक तो भौतिक नींद होती है, भौतिक नींद के अलावा एक और नींद होती है हमारी। भौतिक नींद किसी किसी को ज्यादा सताती है, वो तो ठीक है, लेकिन उस नींद से अलावा एक बेहोशी होती है हमारी। तो वो जो बुद्धि की जड़ता है और बुद्धि का जो चंचलता है वो हमारी बाधा है, उसके कारण से इसमें सक्सेस नहीं होते। ये पूरा इसका जो मैं समझ पाया हूं, ये पूरा इसका जो इसका मैकेनिज्म वो आपके सामने रखा है कि हमारी जो बुद्धि है वो तमस से और चंचलता से आक्रांत होती है, इसके कारण से इस रास्ते में कम सफलता देखने को मिल रही है। यही एक मूल समस्या है। जो लोग इसको कर पाते हैं, अब ये बहुत ही ज्यादा एक विश्वव्यापी समस्या है, इसको, इस समस्या को हटाने के लिए ही अध्यात्म शास्त्र की रचना है, इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए योग शास्त्र है, श्रीमद् भगवद गीता है, उपनिषद हैं, केवल मात्र इसी का समाधान कर रहे हैं सभी अलग अलग ढंग से। सभी संत महात्मा, दुनिया भर के जो लोग हैं, सारी स्पिरिचुअल बुक्स जो हैं केवल मात्र एक ही चीज का इलाज कर रही हैं कि हमारी बुद्धि की जड़ता कम हो,
और हमारी बुद्धि की चंचलता कम हो। तो हमारी बुद्धि की जड़ता और चंचलता कैसे कम होती है? हम जब इसके लिए देख पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि भाई बुद्धि स्थिर होनी चाहिए और मेरी बुद्धि जड़ता में है, मेरी बुद्धि चंचलता में है। जब हम ये देख पाते हैं, अपने को हम समझ पाते हैं, हम तो अभी अपने को समझ ही नहीं पाते कि मेरी बुद्धि जड़ता में भी है, जड़ता होती क्या है और चंचलता होती क्या है, ये भी नहीं समझ पाते हैं हम। तो जब ये नहीं समझ पाते तो उसका इलाज क्या करेंगे? तो देखिए, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला अशुद्धि। अनादि कर्म और क्लेश की वासनाओं से भरी हुई जो अशुद्धि है, प्रत्युपस्थित विषय जाल और विषय जाल को उपस्थित करने वाली जो अशुद्धि है, नान्त्रेण तपा संवेदम आपद्यते, ये तप के बिना दूसरे पाद का पहला सूत्र है। नान्त्रेण तपा संवेदम आपद्यते, तप के बिना ये अशुद्धि छिन्न भिन्न नहीं होती है, ये अशुद्धि जो है अलग नहीं होती, कटती नहीं है, छिन्न भिन्न नहीं होती। इसलिए यहां सूत्र में तपसा उपादान सूत्र में तप का ग्रहण किया है। तच्च चित्त प्रसादनम, ये तपस्या चित्त की प्रसन्नता को बाधित न करने वाली होती। तप नाम से तप कही जाती है जब हमारा चित्त की प्रसन्नता को बाधित न करे। साधक के द्वारा ये उतनी तपस्या करनी चाहिए, चित्त प्रसादनम अबाधना मानम अनेन आसेव्यम, इस साधक के द्वारा इसका इसका अनुष्ठान करना चाहिए इस तप का। इति मन्यते, शास्त्रकारों के द्वारा ऐसा माना जाता है। इति मन्यते शास्त्रकारी। स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या है? ओंकार इत्यादि पवित्र मंत्रों का जो जप है और मोक्ष परक जो शास्त्रों का अध्ययन है, इसका नाम स्वाध्याय है। और ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, अपनी सारी क्रियाएं उस परम गुरु को अर्पित करते रहें, ऐसा मान ले मन में, भावना करें। भावना तो हमारी तरफ से की जाती है, जैसे सब मेरे मित्र हैं, ये एक भावना हमारे द्वारा की जाएगी। जैसे एक भावना की जाएगी किसी सुखी व्यक्ति को देख करके कि मेरा जैसे मेरा मित्र ही है, कोई ऐसी भावना करते हैं ये सब भगवान के रूप हैं। उस साधु महात्मा ऐसी सलाह देते हैं कि ऐसी भावना करनी चाहिए जिसको भी देखें ये भगवान का रूप है, ऐसे कहते हैं, ये भगवान का रूप है, जिस चीज को भी देखें भगवान का रूप हमें दिखाई दे, तो ये एक भावना है। तो यहां ईश्वर प्रणिधान को लिख रहे हैं, ये भी एक भावना है कि सारी क्रियाएं उस परम गुरु में अर्पण कर रहे हैं हम, उसी की प्रेरणा से मैं सब क्रियाएं कर रहा हूं। क्रियाएं तो हमारी सुबह से शाम तक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, सोना भी एक क्रिया है, ऐसा नहीं कि रात को सोते हैं तब वो क्रिया नहीं है, क्रियाओं का बंद करना भी एक क्रिया है। सोने में हम क्रियाओं को बंद करते हैं, समाधि में भी क्रियाओं को बंद करते हैं, अपवर्ग में और क्या होता है, हमारी जो जानने की क्रिया और भोगने की क्रिया, भोगने की क्रिया को बंद करते हैं अपवर्ग में। जो हमारी जानने की जो क्रिया है, स्वयं को जानने की क्रिया तो रहती है, लेकिन बाहर चीजों को जानने की क्रिया का बंद कर देते हैं हम। जैसे मैं अब आपको जान रहा हूं, अब मैं अपने को थोड़ी जानता हूं, उसी समय जब मैं विषय को जानता हूं, जब मैं बाहर किसी चीज को जानता हूं, आंशिक रूप में मैं अपने को जान सकता हूं। जब किसी चीज को जान रहा हूं, किसी चीज के साथ संयुक्त हूं, तो आंशिक रूप में मैं अपने आप को जान सकता हूं, लेकिन बाहर को जानते हुए पूरा का पूरा मैं अपने को नहीं जानता हूं, पूरा का पूरा ठीक ठीक। तो उसके लिए अपने को जानने के लिए बाहर की क्रियाओं को स्टॉप करते हैं, बाहर की क्रियाओं को बंद करते हैं। क्रियाओं को बंद करना भी एक क्रिया है। तो सारी क्रियाएं, चाहे वो भोग की क्रियाओं को बंद कर रहे हैं, चाहे वो अपने को जानने की क्रिया आरंभ कर रहे हैं, चाहे वो फिर इसका विभाग करते जाएं, देखने की क्रिया है, सुनने की क्रिया है, सूंघने की क्रिया है, किसी को छूने की क्रिया है,
जो भी क्रिया है, पढ़ने की क्रिया है, स्नान करने की क्रिया है, भोजन करने की क्रिया है, जो भी क्रियाएं उस परम गुरु में अर्पण करने का नाम ईश्वर प्रणिधान है। सब क्रियाओं को उस परम गुरु में अर्पण करना। आप किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी को समझा रहे हैं, तो सावधान रहें, जब तक वो भावना पूरी परिपक्व नहीं हो जाती, सहज नहीं हो जाती, तब तक वो भावना करनी पड़ती है। जैसे वो सहज हो जाए, हम युग युगों तक ऐसी भावना में रहे हैं, अनंत मतलब हमारे पूरे समाज ने हमारे अंदर वो भावना, जैसे ही पैदा होते हैं तो हमारे अंदर वो भावना ये डाल दी कि ये जो एक माँ से पैदा हुआ भाई और बहन होते हैं, ये इसमें अपवित्रता के लिए, अशुद्धि के लिए कोई स्थान ही नहीं है। तो ये एक भावना समाज के द्वारा, माता पिता के द्वारा और पूरे परिवेश के द्वारा हमारे मन में डाल दी गई है। तो इसी तरह से हम और भी अलग भावनाओं को अपनी संकल्प शक्ति से, अपनी इच्छा से, अपनी सचेतनता से, अपनी सजगता से, जिन भावनाओं को हम अपने मन में डालना चाहते हैं उनको डाल सकते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि बहुत सारी भावनाएं, ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, ऐसे भावनाएं हमें बाल्यकाल से डाल दी गई हमारे मन में, ये कोई नेचुरल नहीं है, ये समाज के द्वारा हमारे अंदर डाली गई भावना है, माता पिता के द्वारा डाली गई भावना है, और उनको हमने स्वीकार किया है पूरा का पूरा, 100% स्वीकार किया है। तो ऐसे ही जिन भावनाओं को हम अपने मन में डालेंगे और यदि उसको 100% यदि स्वीकार करें, बार बार हम डालें उसको, उसको स्वीकार करें, सब भगवान के रूप है, मैं जो भी कर्म कर रहा हूं भगवान को अर्पण कर रहा हूं, यदि इस भावनाओं को, भावना को अपने मन में डाल दें पूरा का पूरा, और हमारे मन को स्वीकार हो जाए, सहज हो जाए, मतलब जैसे भाई बहन के रिश्ते एक माँ से पैदा हुए भाई बहन के रिश्ते सहज होते हैं, माता के साथ हमारा संबंध सहज होता है, क्योंकि वो उसमें एक क्षण के लिए भी अवकाश ही नहीं दिया गया, जन्म से ही दिया नहीं गया, तो इसलिए वो पक्की हो गई। अब जो है हमारे को अब ये मेहनत करनी पड़ेगी, ये प्रयास करना पड़ेगा कि सब भगवान के रूप है, और मेरा देखना उस भगवान के लिए, मेरा सुनना उस भगवान के लिए, मेरा चलना उसके लिए, मैं चल रहा हूं समझो भगवान के मंदिर की परिक्रमा कर रहा हूं, मैं कुछ काम कर रहा हूं भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहा हूं, ऐसे भावना हमें डालनी पड़ेगी, और इस भावना से हमारा मन शुद्ध होता चला जाएगा, अशुद्धि जो है छटती चली जाएगी, छिन्न भिन्न होती चली जाएगी। ऐसा यहां पर कहा, समाधि भावनार्था क्लेश तनुकरणार्थस्य, क्लेशों का तनुकरण, सही आसेव्य माना सुसंपादित जो क्रिया योग है, समाधिम भावयति, समाधि को पूरा करता है, क्लेशांश्च प्रतनु करोति, और ये जो क्रिया योग है ये हमारे क्लेशों को हल्का करता है, क्लेशों को सूक्ष्म करता है, हल्का करता है, भारी जो क्लेश है उसको भारी और हल्का शब्द भाषा में बोल रहा हूं, उदार और सूक्ष्म इसकी भाषा में, योग दर्शन की भाषा में कहें तो उदार जो क्लेश है उनको ये तनु करता है, सूक्ष्म करता है, कौन, क्रिया योग, क्लेशांश से प्रतनु करोति, प्रतनु कृतान क्लेशान प्रसंख्यान अग्निना, प्रतनुकृत जो क्लेश हैं उनको प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिणा करिष्यति, साधक जो है, यहां करिष्यति क्रिया का अध्ययन करेंगे साधक कर्ता के रूप में, साधक जो है हल्के किए हुए क्लेशों को प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा दग्ध बीज कल्प अप्रसव धर्मी कर देगा। तो ये दग्ध बीज कल्प क्या चीज है, इसको समझाया अप्रसव धर्मी के द्वारा, इसको मैं मिटाता हूं और आपके सामने ये दो शब्द लिख रहा हूं,
प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा दग्ध बीज कल्पान इसी का अर्थ खोला अप्रसव धर्मिणा अप्रसव धर्मी विशेषण विशेष है इनमें वो जो क्लेश हैं वो दग्ध बीज सदृश अप्रसव धर्मी क्लेशों के विशेषण है ये दोनों क्लेश कैसे दग्ध बीज जैसे अप्रसव धर्मी साधक जो है वो क्रियायोग के द्वारा उनको हल्का करता है सूक्ष्म करता है फिर क्या करता है प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा उनको दग्ध बीज करता है। दो सूत्रों का संकेत कर दिया है यहां पर। एक तो पहला वाला सूत्र है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। इस क्रिया योग का अनुष्ठान करने से क्लेश तनु होते हैं। तत् समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थ है। समाधि की भावना समाधि को भावित करते हैं ये क्लेश। समाधि क्रियायोग समाधि को संपन्न करता है। समाधिम भावयति समाधि पूरी कराता है ये। समाधिम भावयति शब्द का अर्थ है समाधि को क्रियायोग पूरी कराता है। भावयति संपादयति संपादित करता है और क्लेशों को हल्का करता है। फिर उन हल्के किए हुए क्लेशों को प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा दग्ध बीज कल्प कर देगा। ये साधक जो है दग्ध बीज जैसा ग्यारहवें नंबर सूत्र को यहां पर इकट्ठा कर दिया है। ध्यान हे तद्वृत्तया क्लेशों की जो हल्की हुई जो वृत्तियां हैं क्रियायोग के द्वारा जो हल्की हो गई हैं उनको प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा दग्ध बीज कल्प कर देगा। यही उनकी सूक्ष्म अवस्था है। क्लेशों की सूक्ष्म अवस्था दग्ध बीज अवस्था और तनु अवस्था क्लेशों की आगे फिर बता रहे हैं तेषां तनुकरणात् क्लेशै अपरामृष्टा क्लेशों के तनु करने से सूक्ष्म करने से हल्का करने से क्लेशों से अपरामृष्ट जो हमारी प्रज्ञा है सत्व पुरुष अन्यता ख्याति सूक्ष्म जो प्रज्ञा है समाप्ताधिकारा समाप्त अधिकार वाली चरिताधिकार वाली प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते ये प्रतिप्रसव के लिए समर्थ हो पाती है। दसवें सूत्र का संकेत हो गया है। पहले ग्यारहवें और दसवें तीनों सूत्रों को इकट्ठा कर दिया है व्याख्या में। पहले सूत्र का लाभ बताया समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थस्य प्रतनु कृतान क्लेशान प्रसंख्यान अग्निना दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिणा करिष्यति ग्यारहवें नंबर सूत्र ध्यान यास तद्वृत्तया का संकेत हुआ। ध्यान के द्वारा ध्यान शब्द वहां पर प्रसंख्यान अग्नि के लिए विवेक ख्याति विवेक ख्याति के द्वारा प्रसंख्यान अग्नि मानी ध्यान के द्वारा ज्ञान के द्वारा विवेक ख्याति के द्वारा सत्पुरुष अन्यथा ख्याति के द्वारा प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा जो साधक है सूक्ष्म क्लेशों को अप्रसव धर्मी कर देगा। अप्रसव धर्मी का अर्थ होता है वो क्लेश क्लेश के रूप में जन्म नहीं लेते। क्लेश हमारे अंदर होते हैं उनकी सत्ता होती है लेकिन वो आगे फिर अपनी संतान को जन्म नहीं देते हैं। दग्ध बीज कल्प हो गए वो क्लेश लेकिन आगे भुने हुए बीज की तरह हो गए आगे वो पैदा नहीं कर रहे हैं अपनी संतति को जन्म नहीं दे रहे हैं। और ये भी फिर कारण में लीन होती है। दसवें सूत्र में जो कहा है अगली पंक्ति में बताया तेषां तनुकरणात् ये दसवें सूत्र की व्याख्या चल रही है। उन क्लेशों को सूक्ष्म करने पर पुनः क्लेश ही अपरामृष्टा पुनः उन क्लेशों से अपरामृष्ट अछूता उन क्लेशों से न स्पर्श किया गया सत्पुरुष अन्यथा ख्याति ये जो सत्पुरुष अन्यथा ख्याति है
ये जो विवेक ख्याति है, सूक्ष्म जो प्रज्ञा है, चरिताधिकार हुई हुई भोग और अपवर्ग को पूरा जिसने पूरा संपादित कर लिया है। चरिताधिकार का अर्थ है जो भोग और अपवर्ग को हमारे को दे चुकी है, कृतकृत्य हुई हुई बुद्धि। समाप्ताधिकार जो बुद्धि कृतकृत्य हो गई है, प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते, प्रतिप्रसव के लिए अव्यक्त में लीन होने में समर्थ हो जाएगी। ते प्रतिप्रसव है या सूक्ष्म, वो जो सूक्ष्म अवस्था है क्लेशों की, दग्ध बीज कल्प अवस्था को सूक्ष्म अवस्था कह रहे हैं, वो प्रतिप्रसव के लिए समर्थ हो जाएगी, अव्यक्त में लीन होने के लिए समर्थ हो जाएगी। तो ये मैं ये समझ पाया हूं इसको, जो ये कहना चाह रहे हैं कि सूक्ष्म अवस्था क्या है, दग्ध बीज कल्प अप्रसव अप्रसव धर्मी अवस्था क्या है, और इसमें क्या भेद है कि जब वो अव्यक्त में लीन हो गए, प्रतिप्रसव के द्वारा उसको अव्यक्त में लीन कर देगा। देखो, क्लेशों की एक स्थिति होती है प्रसुप्त अवस्था, आगे ही अगले सूत्र में आ रहा है, एक तनु अवस्था होती है, प्रसुप्त तनु, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, एक पांचवी अवस्था है दग्ध बीज कल्प, ये ऊपर जो लिखा है, ऊपर जो लिखा है दग्ध बीज कल्प, ये पांचवी अवस्था है, एक दो तीन चार, ये पांचवी है। अप्रसव धर्मी तो इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि उनकी विशेषता, उनकी क्वालिटी बता रहे हैं। दग्ध बीज कल्प का मतलब है कि वो उन्हें आगे अपनी संतति को जन्म नहीं देते, क्लेश को पैदा नहीं करते, क्लेश, अन्यथा क्लेश क्लेश को पैदा कर रहे हैं निरंतर। जैसे हमारे को गुस्सा आया तो उसके संस्कार बन गए, अब वो क्लेश के जो संस्कार हैं क्रोध के रूप में जो हमारे चित्त में बैठे हुए हैं, वो आगे फिर क्लेश को जन्म देते हैं। तो वृत्ति बन जाती है क्लेश की, और उससे फिर संस्कार बनते हैं, संस्कार से फिर वृत्तियां बनती हैं, निरंतर ये चक्र चल रहा है। तो ऐसी स्थिति आ जाए हमारी कि वो जो संस्कार हैं वो ऐसी स्थिति में आ जाए कि वो पुनः वो आगे दोबारा वो उस चीज को पैदा नहीं कर रहे, तब उनको कहा जाएगा दग्ध बीज कल्प। प्रसुप्त जो सामान्य जन होते हैं उनकी तीन अवस्था होती है इनमें। ये जो पांच अवस्थाएं मैंने आपके सामने रखी, सामान्य लोगों की तीन अवस्था होती हैं, एक प्रसुप्त, एक विच्छिन्न और एक उदार। बस ये तीन अवस्था में आदमी जीता है। प्रसुप्त अवस्था का मतलब यह है कि जैसे बाल्यकाल में जब तक 8-10 साल का नहीं होता है तब तक सारी चीजें उसके अंदर, आजकल और जल्दी क्रियाशील होते हैं क्लेश, आजकल समाज का पूरा परिवेश ऐसा हो गया कि सारे जो क्लेश हैं वो जल्दी एक्टिवेट होते हैं। तो प्रसुप्त का मतलब यह है 5-6 साल, तो फिर भी अब आजकल भी सही चलता है, तो 5-6 साल तक वो प्रसुप्त हैं सभी प्रकार के, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये सारे क्लेश प्रसुप्त अवस्था में वहां पर पड़े हैं। आगे जैसे जैसे उसका जीवन बढ़ता जाता है और वो 15-20 साल का होता है तो सारे के सारे क्लेश उदार या विच्छिन्न अवस्था में आ जाते हैं। एक उदार होता है तो दूसरा विच्छिन्न होता है, एक विच्छिन्न होता है तो दूसरा उदार होता है। ये सामान्य आदमियों की जीवनचर्या है। योगियों की क्या है? योगी जो है यहां काम करते हैं, योगी जन क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, प्रसंख्यान अग्नि ध्यान या तद्वृत्तया का अभ्यास करते हैं, और ते प्रतिप्रसव हे या सूक्ष्मा का अभ्यास करते हैं। ते प्रतिप्रसव हे या तो इसके ऊपर कार्य करती है,
ते प्रतिप्रसव हेया इसके ऊपर कार्य करती है। और योगी लोग, देखिए योगी लोग जो हैं, योगी लोगों का कार्य इसके ऊपर है, इसके ऊपर कार्य करते हैं योगी लोग, और इससे उदार अवस्था से यहां पहुंचा देते हैं क्लेशों को, तनु। और ध्यान तद्वृत्त जो सूत्र है वो इसके ऊपर कार्य करता है। ध्यान तद्वृत्त 11 नंबर सूत्र, ध्यान के द्वारा प्रसंख्यान ज्ञान के द्वारा, ध्यान का वह अर्थ है प्रसंख्यान विवेक ख्याति सत्पुरुष अन्यथा ख्याति, ये विशेष अर्थ है वहां पर ध्यान का। तो उस ज्ञान के द्वारा, विवेक ख्याति के द्वारा, प्रसंख्यान के द्वारा क्लेश यहां पर वो काम करता है। तनु हुए जो क्लेश हैं, उनको वो दग्ध बीज कल्प कर देता है। ये जो दग्ध बीज कल्प क्लेश हैं, ये क्लेशों का सूक्ष्म रूप है। इसी को 10 नंबर सूत्र में, 10 नंबर सूत्र में ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्म शब्द से कहा गया है। यहां पर दग्ध बीज कल्प जो अवस्था है उसी को सूक्ष्म अवस्था कहा क्लेशों की। तो क्रियायोग, जो क्रियायोग है वो उदार क्लेशों को, विच्छिन्न क्लेशों को तनु करने के लिए, उदार क्लेश और विच्छिन्न क्लेशों को तनु करती है। उदार और विच्छिन्न तो एक ही है ना। उदार का मतलब यह है कि इस समय जो क्रिया पूर्ण, इस समय जो उनका चालू रूप है उसको उदार कहते हैं, और जो छिपा हुआ रूप है या तो प्रसुप्त होता है या तनु होता है या विच्छिन्न होता है। क्लेश का जो वर्तमान में जो चालू रूप है वो उदार है। वर्तमान में खूब उसको गुस्सा आ रहा है, खूब लोभ लालच आ रहा है, ईर्ष्या आ रही है। एक समय तो एक ही आएगा, ज्यादा कभी कभी दो तीन भी हो जाते हैं, पर कभी कभी विरोधी होते हैं तो फिर नहीं आते हैं। जैसे क्रोध और राग, ये दोनों इकट्ठे नहीं होते हैं। जब क्रोध होता है तो राग विच्छिन्न होता है, जब राग उदार होता है तो क्रोध विच्छिन्न हो जाता है, इकट्ठे नहीं होते हैं ये दोनों। तो इस तरह से राग और द्वेष भी, जब राग होता है द्वेष क्रोध का ही रूप है, जब क्रोध है तो राग नहीं, राग है तो क्रोध नहीं, कभी कभी दो इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो देखिए उदार और विच्छिन्न क्लेशों के ऊपर योगी काम करते हैं और वो तनु बना देते हैं क्रिया योग के द्वारा, ईश्वर परिधान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, तप के द्वारा क्लेशों को तनु कर देते हैं। ध्यान एयास तद्वृत्तया, और ध्यान के द्वारा, प्रसंख्यान ज्ञान के द्वारा उन क्लेशों को सूक्ष्म बना देते हैं, दग्ध बीज कल्प कर देते हैं, अप्रसव धर्मी कर देते हैं। वो क्लेश फिर दोबारा क्लेश को जन्म नहीं देते। उसके बाद स्थिति आती है ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म, उन क्लेशों को प्रकृति में विलय कर देते हैं। तो मेरे एक समझ में आई बात, वो आपके सामने आप शेयर कर रहा हूं। तनु अवस्था क्या है? उदार अवस्था तो अपना काम कर रही है, तनु अवस्था क्या है? तनु अवस्था के तो कई सारे रूप हो सकते हैं, कई सारे मतलब लेवल्स हो सकते हैं। तनु अवस्था कोई हॉरिजॉन्टल चीज नहीं है। तनु अवस्था एक प्रकार से वर्टिकल है, एक पहाड़ की तरह है। कोई आदमी एक स्थिति तक, दूसरी हम स्वयं भी एक एक विषय में हमारी स्थिति बदलती रहती है। तो तनु अवस्था जो होती है वो उसके कई सारे लेवल्स हो सकते हैं। तनु अवस्था में क्लेश उठता तो है पर वो बहुत ही वेग के साथ नहीं उठता। उदार अवस्था में एक सेकंड में पूरा 100 डिग्री पर पहुंच जाता है, एक सेकंड में। सेकंड तो बहुत ज्यादा है, और भी उसका और भी छोटा पार्टिकल बनाया जा सकता है। बहुत तेज गति होती है उदार, जब क्लेश होते हैं हमारे अंदर, क्लेशों की जो उदार अवस्था है वो एक सेकंड में बढ़ जाती है। योग साधना के द्वारा उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, उनका बल कमजोर हो जाता है, तो इसलिए वो धीरे धीरे उठते हैं।
और ये जो स्थिति आती है सूक्ष्म अवस्था माने ध्यान के द्वारा, जब हमारी यदि ये स्थिति आ जाए तो हमारे अंदर वो चित्र तो आ सकता है पर वो वृत्ति नहीं उठेगी, और हमारे मन के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर कोई उसका प्रभाव न पड़े, और भूतकाल का किसी हमारे क्लेश का चित्र मात्र हमारे सामने आए तो ये उसकी दग्ध बीज कल्प अवस्था है, ये उसकी सूक्ष्म अवस्था है। आलंबन के उपस्थित होने पर भी हमारे चित्त में कोई विकार न आए, उस क्लेश में हम जिए हैं पहले, उस क्लेश में हमने उसको, उसके जो उस क्लेश के द्वारा हमारे को धक्के खाने पड़े हैं, उस क्लेश के द्वारा हमारे को कष्ट भोगना पड़ा है, लेकिन योग साधना के द्वारा दग्ध बीज कल्प जब हो जाता है तो कितना भी वो उसका प्रतिकूल आलंबन सामने आए, अभिव्यंजक सामने आए, तो भी हमारे चित्त में कोई हलचल नहीं हो रही है, उसको हम देख रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं कि ये चीज है, देखो उस, ऐसा नहीं कि वो स्मृति में नहीं, खत्म हो गया, उसकी याद ही नहीं आ रही, ऐसा नहीं। कोई सामने चीज आ रही है तो अपने पूर्व जीवन को भी याद कर सकता है कि देखो इस ऐसी स्थिति में मेरा भी ये हाल होता था, तो वो देख सकता है, लेकिन उसके अंदर क्लेश उठता नहीं है, तो ये उसकी दग्ध बीज कल्प अवस्था है, सूक्ष्म अवस्था। लेकिन ते प्रति प्रसव या सूक्ष्म, जब हमने चित्त का ही विलय कर दिया है तो उसकी जो वो स्मृति भी खत्म हो जाएगी, उस क्लेश की सत्ता ही खत्म हो जाएगी। हाँ जी, प्रसुप्त तो बीज जैसा है, प्रसुप्त बीज जैसा है और उदार उसका वृक्ष रूप है, और विच्छिन्न उस का प्रतिकूल, किसी प्रतिकूल जो स्थिति है वो विच्छिन्न है। जैसे मैंने कहा राग और क्रोध, तो राग यदि उदार है तो क्रोध विच्छिन्न अवस्था में रहता है, एक तरफ पीछे चला जाता है, और जब क्रोध उदार होता है तो राग विच्छिन्न हो जाता है, एक तरफ हट जाता है। बाकी प्रसुप्त तो बीज के रूप में है। शक्ति मात्र प्रतिष्ठा नाम, अभी जैसे प्रसुप्त और दग्ध बीज कल्प इनमें क्या अंतर है, यहां पर समझाया है कि प्रसुप्त तो कभी आगे चल करके आलंबन पा करके उदार हो सकता है, लेकिन जो दग्ध बीज कल्प हो गया उसको उदार होने के लिए कोई अवकाश नहीं है। जो सूक्ष्म हो गया, दग्ध बीज कल्प हो गया, उसको उदार होने के लिए कोई अवकाश नहीं। तो क्या तनु उदार हो सकता है? तनु उदार हो सकता है, तनु जब तक है तब तक वो कभी उदार हो सकता है, यदि वो लापरवाही करेगा, तनु को यदि वो प्रमाद करता है तो तनु फिर उदार हो सकता है। तो योग साधना के द्वारा, प्रतिपक्ष भावना के द्वारा हम क्लेशों को तनु करते हैं। प्रारंभ तो यहीं से होता है, हम उदार क्लेशों पर कार्य करते हैं और प्रारंभ तो यहीं से होता है, और उनको तनु करते हैं, उनको हल्का करते हैं, सूक्ष्म करते हैं, लेकिन जब तक ये तनु अवस्था है तब भी हमारे को कभी भी वो फिर उदार हो सकते हैं, अभी समस्या का समाधान नहीं है। तनु होने मात्र से समस्या का समाधान नहीं है। साधक प्रायः ये समझ लेते हैं कि अब तो पहले वाली समस्या नहीं रही, सारी छूट गई, तो वो तनु स्थिति होती है उनकी, जब हमारे मन में ऐसा आता है कि अब तो मेरा काम बन गया, अभी मैं निर्भय हो गया हूं, वो स्थिति उनकी तनु होती है, और इसलिए प्रमाद करते हैं और फिर दोबारा वो उदार हो जाते हैं। तो तनु जो क्लेश हैं वो कभी भी उदार हो सकते हैं, प्रसुप्त भी उदार हो सकते हैं, और उदार और विच्छिन्न तो चलता ही रहता है, परस्पर एक दूसरा का साथ साइड बाय साइड चलता ही रहता है, लेकिन दग्ध बीज कल्प जब होते हैं तब वो कभी उदार नहीं हो सकते हैं। दग्ध बीज कल्प के अगली जो स्थिति है वो तो
फिर उनको प्रतिप्रसव के द्वारा उनको अव्यक्त में लीन करने की बात है, मानी उनकी सत्ता मात, उनकी उनकी स्मृति भी हमारा, वो चित्त जो था पहले वाला चित्त, वही पूरा का पूरा हमने उसमें डाल दिया प्रकृति में। और यदि अब ऐसे योगी को कुछ सेवा करनी है तो एक नया चित्त लेकर के वो सेवा करता है, एक नए चित्त से वो जीवन जीता है, उसको कहते हैं निर्माण चित्त, जीवन मुक्त स्थिति, जीवन मुक्त स्थिति के साथ वो जीता है। तो ये माने जो दग्ध बीज कल्प अवस्था है, ये ऐसी स्थिति है कि क्लेश वृत्ति के रूप में नहीं बदलते, ये क्लेशों का वृत्ति के रूप में जो बदलना है यही उदार रूप लेना है, उदार होना है। वृत्ति क्या होती है? चित्त की जो ज्ञानात्मक स्थिति है, जिसमें हमें कुछ सुख संवेदना, दुख संवेदना, मोह संवेदना, कुछ अच्छा लगना, कुछ बुरा लगना, ये जो हमारे अंदर घटता है, ये चित्त की वृत्ति के कारण ही तो घटता है। चित्त में हमारे अंदर एक स्थिति पैदा होती है, हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में एक स्थिति पैदा होती है, और उसमें अच्छा लगना, बुरा लगना, ये सब घटित होता है। तो ये उसका वृत्ति रूप है, क्लेश का वृत्ति रूप होना ये उसका उदार रूप है। क्लेश जब वृत्ति रहित अवस्था में है, और वो वृत्ति रहित अवस्था में है, और वृत्ति बनने के लिए कोई उपाय नहीं है, वृत्ति बन भी नहीं सकती है, तब ये समझना चाहिए कि ये दग्ध बीज हो गए। किसी भी परिस्थिति में क्लेश यदि वो वृत्ति का रूप धारण नहीं कर रहा है तो वो दग्ध बीज कल्प, वो सूक्ष्म अवस्था कही जाएगी क्लेश की। अभी ऐसा नहीं है कि चित्त में वो सब चीजें खत्म, वो अपनी सब वो ऐसे पड़ी हैं जैसे कि जली हुई रस्सी जो है, रस्सी दिखाई दे रही है तो वो हैं, पर जली हुई रस्सी की तरह हैं। वो जली हुई रस्सी भी पूरी की पूरी उठा करके अदृश्य कर दी, जली हुई रस्सी भी अव्यक्त में लीन कर दी, ये है प्रतिप्रसव अवस्था। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। यहां पर एक क्लेशा यंतो वा, अब वे क्लेश कौन है और कितने हैं? तीसरे सूत्र में कहा क्लेशा पंच विपर्य, क्लेश जो है पांच विपर्य है, मिथ्या ज्ञान, विपर्य का अर्थ है मिथ्या ज्ञान। ते संदमाना, ये क्लेश जो है उदार होते हुए, संदमाना का अर्थ होता है उदार होते हुए, गुणाधिकारम, एक दो तीन चार, चार काम बताए क्लेशों का। हाँ जी, ये प्रश्न किया जा रहा है कि जो क्लेश हैं, ये जो क्लेश हैं सूक्ष्म हो गए, दग्ध बीज कल्प हो गए, अप्रसव धर्मी हो गए, वो अपनी सजातीय वृत्ति को जन्म नहीं देते हैं। प्रसव धर्मी का अर्थ होता है अपने सजातीय को पैदा करना, प्रसव पैदा के साथ जुड़ा हुआ शब्द है, प्रसव धर्मी पैदा करने वाले। तो जो ये प्रश्न किया जा रहा है कि क्लेश जो है वो उदार अवस्था में ही तो दुख देते हैं, केवल उदार अवस्था में दुख देते हैं ऐसी बात नहीं, विच्छिन्न अवस्था में भी दुख देते हैं क्योंकि वो भी कभी उदार हो जाते हैं, तनु अवस्था में भी दुख देते हैं क्योंकि वो भी उदार हो जाते हैं। क्लेशों का जो दग्ध बीज कल्प वाला रूप है, दग्ध बीज जैसी स्थिति वाला जो रूप है, ये क्लेश कभी उदार नहीं होते हैं। तो जो उदार नहीं होगा इनको क्लेश क्यों कहा? कोई आपसे प्रश्न करे कि क्लेश तो उदार ही उदार भाई क्लेश हैं जो हमारे को तकलीफ देते हैं, विच्छिन्न जो हैं वो क्या तकलीफ देते हैं, तनु हमें क्या तकलीफ देते हैं, प्रसुप्त हमें क्या तकलीफ देते हैं, तो ये विभाग करके क्यों समझाया? यहीं पर प्रश्न भी किया है योग दर्शन में ही, इस बात को उठाया गया कि ये इनको चार
भाग में क्यों बांट करके दिखाया गया है? क्लेश तो उदार ही तकलीफ देते हैं, फिर प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, ये विभाग करके क्यों बताया? बोले इनकी विशेष अवस्था बताने के लिए, और ये सिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि उदार अवस्था वर्तमान अवस्था होती है और ये बाकी तीन अवस्थाएं भविष्य अनागत अवस्था होती है, क्लेशों की अनागत अवस्था होती है। जैसे किसी पत्थर में एक मूर्ति निकाल दी, ये उसकी वर्तमान अवस्था है। किसी मिट्टी से हमने कोई घड़ा बना दिया, इसकी वर्तमान अवस्था है। लेकिन उस मिट्टी से हजारों प्रकार के और बर्तन बन सकते हैं। जो बन गया, मिट्टी हमारे पास है, जो बन गया वो उसकी वर्तमान अवस्था है। जो हजारों पात्र और विकसित होने, उसमें से उभरने, निकलने, वो उसकी भविष्य अवस्था, अनागत अवस्था है। तो यहां पर जो प्रसुप्त, तनु और विच्छिन्न अवस्था है क्लेशों की, वो अनागत अवस्था है और वो कभी भी आगे चलकर, अभी नहीं, आगे चलकर कभी भी वो उदार हो सकती है। इस बात को देखते हुए क्लेशों का प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न ये विभाग किया। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि क्लेशों का जो दग्ध बीज कल्प है वो तो कभी उदार होनी नहीं है, फिर इसको भी प्रकृति में लीन क्यों करते हैं? इसका भी प्रतिप्रसव के द्वारा लीन क्यों करते हैं? तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं कि दग्ध बीज कल्प शब्द डाला है। दग्ध बीज जैसी अवस्था, कहीं कोई एक छोटा सा कण, इसका अर्थ यह है कि कहीं कोई छोटा सा कण कोई इधर उधर उसके साथ बाकी बचा हो, तो धीरे 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 धीरे, जैसे कि अमर बेल होती है और उसका एक कण यदि पेड़ के ऊपर कहीं रह गया, सारी हमने तोड़ तोड़ करके फेंक दी अमर बेल को, और उसका एक कण जो है बच के कहीं पर चिपका रह गया, तो वही धीरे 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 समय पा करके, तो ऐसा लगता है कि दग्ध बीज कल्प जो क्लेश हैं, अगली क्रिया यदि नहीं हुई, मानी उनको भी, ये दग्ध बीज कल्प जो है उदार नहीं हो सकते, ये पक्की बात है। लेकिन वर्तमान में नहीं हो सकते, लेकिन उनको वैसा ही छोड़ दिया और उनको पूरा प्रकृति में लीन नहीं किया गया, उनकी स्मृति ही हमारी बुद्धि से नहीं हटाई गई, पूरी उस स्मृति को ही वास नहीं किया गया, भूतकाल की पूरी स्मृति को, तो कभी न कभी किसी न किसी रूप में, कभी धीरे 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 कालांतर में, बहुत लंबे समय के बाद, वो थोड़ा कभी उद्बुद्ध हो सकता है और फिर वो संकट आ सकता है। पहले वाला संकट धीरे धीरे बढ़ करके आ सकता है। तो इसलिए अगली स्थिति बताई गई कि क्लेशों का प्रतिप्रसव, माने वो जो ये एक छठी अवस्था है, यहां से छठी अवस्था है प्रतिप्रसव। अव्यक्त में लीन, प्रतिप्रसव के द्वारा अव्यक्त में जो लीन है, ये इसकी अगली स्टेज है। तो उदार, विच्छिन्न, तनु, प्रसुप्त, सूक्ष्म, दग्ध बीज कल्प, और ये प्रतिप्रसव साधन है। प्रतिप्रसव के साथ देखिए, यहां पर ध्यान है, तद्वृत्तिया वृत्तया में ध्यान साधन बनाया गया है। ध्यान के द्वारा, प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा उनको दग्ध बीज कल्प किया गया, और यहां पर साधन बनाया प्रतिप्रसव के द्वारा, प्रतिप्रसव के द्वारा अव्यक्त में लीन। प्रतिप्रसव को साधन बना करके और अव्यक्त में लीन, ते प्रतिप्रसव हे सूक्ष्म, एक बार उसी सूत्र को देख सकते हैं, ते प्रतिप्रसव हे 10 नंबर सूत्र को,
वे सूक्ष्म क्लेश, सूक्ष्म को मैंने यहां पर रखा है दग्ध बीज कल्प, इसको थोड़ा मैं इधर से लिख सकता हूं, देखने वालों को असुविधा होगी। सूक्ष्म ये तो यही है, इसके बाद प्रतिप्रसव के द्वारा अव्यक्त में लीन, है जी, वो पूरा अभी कल्प शब्द जो डाल रहा है ना, दग्ध बीज जैसा, दग्ध बीज जैसा स्थिति बताई जा रही है। यहां पर देखिए ये कहा है ते प्रतिप्रसव या ते पंच क्लेशा दग्ध बीज कल्पा योगिनः चरिताधिकारे चेतसी, योगी का चित्त जब कृतकृत्य हो गया, योगी का चित्त जब कृतकृत्य हो गया तो अव्यक्त में लीन होने पर उसी के साथ साथ लीन हो जाते हैं वो सूक्ष्म क्लेश। चित्त जब लीन हो जाता है तो उसी के साथ वो क्लेश भी लीन हो जाते हैं। तो यहां यह भी कहा जा सकता है इस प्रश्न का जो आप पूछ रहे हैं कि उनको प्रकृति में लीन क्यों कर रहे हैं, यहां पर लीन क्लेशों को नहीं कर रहे हैं, चित्त को लीन कर रहे हैं, और चित्त को लीन कर रहे हैं तो उन चित्त के साथ जो दग्ध बीज क्लेश हैं वो भी लीन हो जाते हैं। यहां प्रयास पूर्वक चित्त को लीन करने का योगी का संकल्प है, मतलब चित्त से वो विमुख हो रहा है, इसी को पर वैराग्य कहते हैं, चित्त से अपने आप को हटाना, चित्त से भी मुक्ति पाना। तत् परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, पहले पाद के 16 नंबर सूत्र में जो बात कही, पुरुष ख्याति होने पर गुणों से जो वितृष्णा है उसको पर वैराग्य कहते हैं। तो प्रतिप्रसव के द्वारा अव्यक्त में लीन चित्त को करते हैं, चित्त को करते हैं तो वो उसके साथ जो संस्कार के रूप में जो दग्ध बीज कल्प जो क्लेश हैं संस्कार के रूप में ना कि वृत्ति के रूप में वो भी लीन हो जाते हैं। हाँ जी, अव्यक्त में लीन होने के बाद तो फिर कोई क्रिया का प्रसंग नहीं, क्रिया तो व्यक्त अवस्था में ही चलती है। रजोगुण और तमोगुण और सत्वगुण तीनों ही लीन हो गए, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण तीनों ही लीन हो गए, तो फिर क्रिया कहां बची। तो देखिए हम ये देख रहे हैं ते पंच क्लेशा दग्ध बीज कल्पा योगिनः चरिताधिकारे चेतसी, जब योगी का चित्त जो है वो चरिताधिकार, जो आपकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि जब वो भूनी दिया तो फिर कहां से वो पैदा होगा, ये बात ठीक है, तो हम ऐसा समझ सकते हैं भूनी दिया तो पैदा नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन चित्त का प्रलय योगी उस आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए, चैतन्य चिन्मय बनने के लिए उसको चित्त से मुक्ति करनी पड़ती है, अपने आप को चित्त से पूर्ण रूप से हटाना होता है। तो जैसे ही चित्त का प्रलय करता है तो वो जो क्लेश दग्ध बीज के समान हुए हुए जो क्लेश हैं, इसका ये बात भी निकली कि चित्त का प्रलय कभी भी इस स्थिति में नहीं होगा। यहां पर प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार, इस अवस्था में कोई चित्त का प्रलय करना चाहे तो नहीं हो सकेगा। एक एक सिस्टम, एक प्रक्रिया भी बता दी कि हम क्लेशों को पहले तनु करते हैं, तनु से फिर दग्ध बीज कल्प करते हैं, सूक्ष्म करते हैं, उसके बाद ही चित्त का प्रलय होता है, इससे पहले नहीं। अर्थात जब तक क्लेश तनु भी हैं तो डायरेक्ट जो है उसका प्रलय नहीं हो सकता, कोई चाहे कि मैं अपने चित्त का प्रलय कर दूं, तनु क्लेशों को दग्ध बीज कल्प करना पड़ेगा, सूक्ष्म करना पड़ेगा उन क्लेशों को, ऐसी स्थिति आने के बाद हम चित्त का प्रतिप्रसव कर सकते हैं। ये यहां तक चित्त का कार्य है, चित्त का कार्य यहां खत्म हो जाता है। जब ये स्थिति आ जाती है तो
तो चित्त का कार्य खत्म हो जाता है, और चित्त का कार्य खत्म हो गया तो अब चित्त को कारण में लीन कर देता है योगी, क्योंकि उसका जो प्रयोजन था वो पूरा हो गया है। तो ये समझाया गया है। जब वो दग्ध बीज हो गए तो फिर चित्त कैसे, क्या बच गया फिर चित्त का? हमारे अनुभव में ऐसा आता है कि कोई एक, जैसे एक मांसाहारी है, और मांसाहारी, उदाहरण के लिए दृष्टांत दे रहा हूँ, मांसाहारी मांस खाता था और रोज उसको इच्छा होती थी, और उसने किसी के उपदेश से और उस पर विचार किया, गहराई से सोचा और मांस छोड़ दिया। 10 साल हो गए उसको छोड़े हुए, और वो निरंतर उस ज्ञान में भी रहा कि मांसाहार मनुष्य का भोजन नहीं है, लेकिन उसको भी स्मृति है कि ऐसे ऐसे मांस खाते थे हम, ये करते थे वो, उसको दग्ध बीज कह रहे हैं, जो वृत्ति के रूप में हमारे अंदर नहीं उठ रहे हैं। माने उस क्लेश को स्मरण करके थोड़ा सा भी मेरे अंदर वो राग पैदा नहीं हो रहा है कि आज तो थोड़ा सा होने दो, वो उसका जो मानसिक जो टेस्ट है वो भी नहीं आ रहा है, और साथी लोग खा रहे हो इकट्ठे कहीं बैठ करके, तो भी उसको हेव वादे शून्य बुद्धि, और भागने की जरूरत नहीं पड़ रही, और उसको इच्छा भी नहीं हो रही, ऐसी स्थिति हमारे अंदर अनुभव में आती है, तो वो दग्ध बीज कल्प क्लेश है, वो उसकी सत्ता है, वहां पर चित्त में मौजूद है वो। तो उसके लिए कहा है कि ऐसी स्थिति तमाम क्लेशों के बारे में हो जाए, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, तमाम क्लेशों के बारे में ऐसी हमारी स्थिति आ जाए, तो उसके बाद हम चित्त का प्रलय तो अंतिम चीज है ही, क्योंकि वो चिन्मय होना है उसको। तत् परमपुरुषाख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, 7 प्रकार की जो बुद्धि है उसमें जो ये 7वीं स्थिति में पहुंचने के लिए ये गुणों से भी वितृष्णा करनी पड़ती है। 7 प्रकार की जो तस्य सप्तधाप्रांत भूमि प्रज्ञा, 7 प्रकार की बुद्धि बताई है, उनमें 4 तो कार्य मुक्ति है और 3 उसमें चित्त मुक्ति है। तो कार्य मुक्ति में तो ये कहा कि मैंने जो दुख था उसको क्षीण कर दिया है, दुखम समाप्तम, हे को मैंने क्षीण कर दिया, नष्ट कर दिया है, हे का हेतु को मैंने नष्ट कर दिया है, हान को मैंने प्राप्त कर लिया है, हान उपाय मैंने संपादित कर लिया है। ये तो कार्य मुक्ति है, चित्त की जो कार्य है उसकी मुक्ति, कि मैंने 7 प्रकार की जो प्रांत भूमि प्रज्ञा यहां पर दी गई है, एक बार निकाल करके देख सकते हो, 7 प्रकार की ये प्रज्ञा हमारे अंदर पैदा होती है उसको हम देख रहे थे, सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तो इनमें 4 जो हैं वो कार्य मुक्ति है, परिज्ञातम हे अमनाश्य परिज्ञेयम अस्ति, मैंने जो हे था दुख था उसको जान लिया, दुख नाम की चीज और जानने के लिए बची दी, दुख को ठीक ठीक जान लिया मैंने, दुख के कारण को मैंने जान लिया, क्षीणा हे हेतवा, पहले तो कहा परिज्ञातम हे हम दुख को जान लिया, नास्ति पुनः परिज्ञेयम अस्ति, कुछ जानने के लिए शेष नहीं बचा, दुख नाम की चीज अर्थात मैंने ठीक ठीक दुख के स्वरूप को समझ लिया, फिर बोले उन दुख के कारणों को क्षीण कर दिया है, नास्य पुनरेतेषां क्षेतव्यम अस्ति, दुख के कारणों को क्षीण करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, और साक्षात्कृतम निरोध समाधिना हानम, मैंने हान का साक्षात्कार कर लिया, और जो भाविता विवेक ख्याति रूप है हानोपाय, ये 4 जो है विवेक ख्याति रूप हान का उपाय, हानोपाय जो था वो मैंने संपादित कर लिया, ये कार्य विमुक्ति है। फिर चित्त विमुक्ति है, 5वीं चित्त विमुक्ति है, चरित्र ये जो बुद्धि है वो समाप्त अधिकार हो गई, अपना कृतकृत्य हो गई, उसको जो मुझे देना चाहिए था मेरे लिए उसने दे दिया, चरिताधिकार हो गई बुद्धि। 6ठी जो बुद्धि है कि गुण जो है जैसे पहाड़ की शिखर से पत्थर टूटते हुए नीचे आकर के ही गिरता है, बीच में कोई रुकने का रास्ता साफ कोई दिखाई नहीं देता उपाय, इसी तरह से गुण जो है अपने कारण में लीन होने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो यही स्थिति है। 6ठी जो बुद्धि है
गुण अपने कारण में लीन होने के लिए दौड़ रहे हैं और अपने कारण में लीन होकर के ही विश्राम पाएंगे। और सातवीं तो बुद्धि यह है कि वो ये देखता है कि पुरुष देखो शुद्ध चेतन स्वरूप, यहाँ पर केवल शांत शुद्ध चेतन स्वरूप पुरुष बच गया है। तो छठी अवस्था है ये, जो अव्यक्त में जो लीन करने की बात कही जाती है, गुणों को चित्त को जो लीन करने की बात कही जाती है, ये चित्त विमुक्ति की छठी, मतलब सप्तदा प्रांत भूमि प्रज्ञा में छठी बुद्धि ऐसी बनती है योगी की। तो ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा पर मैं ये बात कह रहा था, ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा, ये सूक्ष्म क्लेश हैं जिनको की प्रति प्रसव के माध्यम से प्रकृति में लीन करना होता है। प्रकृति को तो अनुभव नहीं कर सकते, पर अपने चित्त को तो हम अनुभव कर सकते हैं और हम अनुभव करते हैं। ये बुद्धि आती है, हमारे को बुद्धि बनती है कि ये जो हमारे जो गुण संपर्क है वो अपने प्रकृति में लीन हो रहा है। जो गुण हमारे अंदर बुद्धि के रूप में कार्य कर रहे हैं वो गुण अपने कारण में लीन होने के लिए दौड़ पड़े हैं और अब ये लीन ही होंगे। तो ये जो छठी बुद्धि है ये प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मा के बारे में संकेत कर रही है। और इस छठी बुद्धि के लिए ही तत् परम पुरुषख्यातिर गुण वैतृष्णम, ऐसे एक दूसरे सूत्रों को मिला करके देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। जो पहले पाद का 16 नंबर सूत्र है, तत् परम पुरुषख्यातिर गुण वैतृष्णम, ये जो गुण वैतृष्ण है यही तो है यहाँ पर प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मा। वहां पर प्रतिप्रसव के द्वारा हे की बात कही है, यहाँ पर गुण वैतृष्ण की बात कह दी है। पुरुष ख्याति होने से, मानी चेतन पुरुष का बोध होने से गुण वैतृष्ण्यम, गुणों से जो वैतृष्ण है, गुण क्या है, यही चित्त का जो त्रिगुणात्मक जो चित्त है उससे वैतृष्ण होना, सत्व रज तम जो तीन गुण है, रजोगुण तमोगुण तो पहले ढीले हो गए थे, केवल सत्व गुण बचा था उसको भी छुट्टी कर दी, तुम्हारा भी काम पूरा हो गया, अब विश्राम करो। तो ये गुण वैतृष्ण है। और सातवीं जो बुद्धि है उसको वहां पर असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के रूप में वर्णन किया है, पूर्ण चिन्मय तत्व में स्थिति, तत् परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम, गुणों में जो वितृष्णा है, बुद्धि में पूर्ण जो वितृष्णा है, उसके बाद क्या स्थिति बचेगी, चेतन पुरुष गुण संबंधातीत चिन्मय तत्व बचेगा। अविद्या स्मिता, हम तीसरा सूत्र देख रहे थे, क्लेश जो पंच विपर्य हैं स्यंदमाना गुणाधिकारम दृढ़यन्ति, गुणों का अधिकार को ये मजबूत करते हैं। जब उदार अवस्था होती है क्लेशों की तो गुण के अधिकार, गुणों का अधिकार क्या है, भोग देना, अच्छे अच्छे शब्दों में, अच्छे अच्छे रूप रस गंध में, शब्द इस पर रूप रस गंध में हमारे को रुचि लगती है, ये गुणों के कारण से ही लगती है। गुणों अपना कार्य कर रहे हैं हमारे अंदर, तब हमारे को ये चीजें अच्छी लगती हैं, संपत्ति अच्छी लगती है, सत्ता अच्छी लगती है, सम्मान अच्छा लगता है, विषय सुख अच्छा लगता है, ये सारा जो हमें अच्छा लगना कहते हैं ना, और उस बुरा लगना कहते हैं, अच्छा लगना बुरा लगना, ये सारा गुणाधिकार है। तो गुणाधिकारम दृढ़यन्ति, ये जो क्लेश हैं जब उदार अवस्था में होते हैं तो गुणाधिकार को दृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं, एकदम से उसको पुख्ता कर देते हैं। दूसरी परिणामम अवस्थापयन्ति, ये जो क्लेश होते हैं उनकी महिमा गा रहे हैं, क्लेश जो है परिणाम को अवस्थापित करते हैं, क्लेश जो है वो परिणाम को, कौन से परिणाम को, यहाँ पर परिणाम शब्द का विशेष अर्थ है, कौन से परिणाम को अवस्थापित करते हैं, क्लेश परिणाम धारा को ये निर्वर्तित करते हैं, गुणों की जो परिणाम धारा है, गुणों का जो परिवर्तन है निरंतर जो चल रहा है हमारे अंदर, प्रकृति से जो गुणों में परिवर्तन निरंतर चल रहा है, कभी सात्विक
कवि राजसिक, कवि तामसिक, गुणों के जो परिणाम की धारा निरंतर जो चल रही है, एक बार सात्विक है, फिर राजसिक, फिर तामसिक, रात को नींद आ जाती है, कभी कभी सत्संग में भी आ जाती है, तो ये जो गुणों की धारा है, इसको, ये गुणों की जो धारा है, इसको क्लेश जो होते हैं वो निर्वर्तित करते हैं, निष्पादित करते हैं, परिणामम अवस्थापयन्ति। और आगे कहा, कारण कार्य जो स्रोत है उसको प्रवाहित करते हैं। जैसे हमारी बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से मन, इंद्रियां, ये कारण कार्य जो स्रोत है इसको उन्नमयन्ति, कारण कार्य जो स्रोत है उसको प्रवर्तित करते हैं। उन्नमन करना, उन्नमन कहते हैं प्रवर्तन करना, इसको प्रवर्तित करते हैं। और एक दूसरे की कृपा के अधीन होकर क्लेश, परस्पर अनुग्रह तंत्री भूत्वा कर्म विपाकम निर्हनन अभिनिर्हरंती, कर्म फल की जो परंपरा है उसका निर्वाह करते हैं। परस्पर अनुग्रह तंत्री भूत्वा, एक दूसरे की कृपा का, कृपा के अधीन होकर के, जैसे अविद्या जो है अस्मिता के अधीन, और अस्मिता जो है अविद्या के अधीन अस्मिता, अस्मिता के अधीन राग, राग के अधीन द्वेष, द्वेष के अधीन, ये सारा जो परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए, परस्पर एक दूसरे पर अनुग्रह करते हुए, एक दूसरे की कृपा के अधीन होकर के कर्म विपाक को निष्पन्न करते हैं। कर्मों का जो फल है जाति आयु भोग, कर्म विपाक कहलाता है वो। कर्मों का जो फल है, हमको जन्म मिलता है, आयु मिलती है, सुख दुख मिलता है, उसको निष्पादित करते हैं ये गुण। उदार अवस्था के क्लेशों के बारे में ये बात कही, उदार अवस्था के जो क्लेश हैं उनके चार कार्य दिखाए। उदार अवस्था के क्लेश गुणाधिकार को दृढ़ करते हैं, गुणों का जो परिणाम धारा है उसको दृढ़ करते हैं, और परिणाम कार्य कारण स्रोत को प्रवर्तित करते हैं, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से मन, ये कार्य कारण धारा है। और परस्पर अनुग्रह तंत्री भूये, एक दूसरे के सहयोगी होकर के कर्म विपाक को निष्पाद, यदि ये क्लेश ना हो और एक दूसरे का सहयोग ना करें तो कर्मों का फल हमें नहीं मिल सकता। ये बात वहां आगे चल करके भी कही है 12 नंबर सूत्र में, क्लेश मूलः कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, ये जो कर्माशय है क्लेश मूलक ही हमें फल देता है। यदि क्लेश मूल में ना हो तो कर्माशय हमको फल नहीं दे सकेगा। यहां पर भी ये बात कही कि परस्पर अनुग्रह तंत्री भूत्वा, अनुग्रह तंत्री भूये कर्म विपाकम अभिनिर्हरंती। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो उदाराणाम, अविद्या क्षेत्रम प्रसुप्त भूमि, अविद्या जो है खेत है, प्रसव भूमि है। उत्तरेशाम अस्मितादीनाम, जो अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये चार जो क्लेश हैं, चतुर्विध कल्पानाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो उदाराणाम, चाहे वो प्रसुप्त हैं, तनु हैं, विच्छिन्न हैं, उदार हैं, और अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश हैं, इनकी प्रसव भूमि अविद्या है। तत्र का प्रसुप्ति, प्रसुप्ति क्या है, तो कहते हैं शक्ति मात्र प्रतिष्ठा नाम बीज भावोपगमा, शक्ति मात्र बीज, शक्ति मात्र में रहने वाले जो बीज भाव का इनका रहना है, बीज भाव के रूप में रहना है, ये प्रसुप्ति है, ये क्लेशों की प्रसुप्त अवस्था है। शक्ति मात्र प्रतिष्ठा नाम बीज भावोपगमा, शक्ति के रूप में स्थित क्लेशों का बीज भाव को प्राप्त हो जाना ही इनका, इनकी प्रसुप्ति है। और तस्य प्रबोधा आलंबने सम्मुखी भावा, अपने आलंबन के प्रति अभ्यक्त होना ही इनका जागरण है। क्लेशों का जागरण क्या है, आलंबन आने पर इनका अभिव्यक्त होना, सम्मुखी भाव का अर्थ है यहां पर अभिव्यक्त होना, क्लेशों का अभिव्यक्त होना ही इनका जागना है जब आलंबन सामने आए। और आगे कहते हैं प्रसंख्यान वतो दग्ध बीज क्लेशस्य, जो ज्ञानवान होता है, प्रसंख्यानवान होता है, दग्ध क्लेश बीज वाला होता है, जिसके क्लेश बीज जल गए हैं,
सम्मुखी भूते भी आलंबने नासव पुनरस्ति। जब आलंबन सामने आ गया तो भी जागरण नहीं होता है। ज्ञानवान के क्लेश जब जल गए तो आलंबन सामने आने पर भी नासव पुनरस्ति, ये जो जागरण है क्लेशों का ये नहीं होता जैसे पहले होता था। दग्ध बीजस्य कुतः प्ररोह, क्योंकि जो जल ही गया उसका प्ररोह कहां से होगा जैसे आप बोल रहे थे। तो अतः क्षीण क्लेशा कुशला चरम देहा इति उच्यते। योगी भी उस व्यक्ति को क्षीण क्लेश वाला कहते हैं, कुशल कहते हैं, चरम देह कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को चरम देह कहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो बात है कि ये जो प्रश्न आपकी तरफ से आया कि जब इस स्थिति में ये जब उदार बनते ही नहीं तो इनको अव्यक्त में लीन क्यों करते हैं, तो ये होते हैं ऐसा कहना चाहिए। जब चित्त का लय करता है योगी तो ये अपने आप वहां पर अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। करने की जरूरत तो यहीं तक है, यहां तक प्रयत्न है व्यक्ति का, उसके बाद तो फिर हो जाते हैं। चित्त का लय करता है इनको कुछ करने की जरूरत नहीं, चित्त को लय करता है तो ये भी लीन हो जाते हैं उसके साथ ही, जो इनकी सत्ता है वो भी लीन हो जाती है। तो इसकी बात एक समझ में ये आई हमें अच्छे से कि जब तक चित्त में क्लेश बचे हुए हैं चित्त का प्रलय नहीं हो सकता है। जब तक चित्त में क्लेश बचे हुए हैं किसी भी रूप में, प्रसुप्त तनो विच्छिन्न उदार, तब तक वो चित्त का प्रलय नहीं होगा। और दग्ध बीज अवस्था में चित्त में क्लेश बचे हुए हैं, दग्ध बीज कल्प होकर के अप्रसव धर्मी होकर के, तो उस अवस्था में निश्चित रूप से चित्त का प्रलय हो ही जाएगा। ये हमारे को एक दिशा मिली। ये भी तो समझते हैं कि चित्त को लय करने की वृत्ति तो शेष बची ही हुई है, उसके कारण भी तो चित्त हो सकता है। अंतिम क्षण तक इतना तो रहता ही है जिसको हम कहते हैं निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति। और ये कह सकते हैं कि जब अग्नि जलाने के लिए कुछ बची नहीं तो अग्नि शांत हो जाती है, तो चित्त को अंतिम स्थिति में जाने के लिए कुछ बचा नहीं और रास्ते में कुछ बचा नहीं, तो ये क्षीण क्लेश कुशल चरम देह इति उच्यते। तो ये सारी चीजें हमने इस सूत्र के बारे में चर्चा की। और ये दग्ध बीज भाव जो पांचवी क्लेशों की अवस्था है, सताम क्लेशानाम बीज सामर्थ्यम दग्धम विषय से सम्मुखी भूते पी न भवति येषां प्रबोधः, विषय के सम्मुख होने पर भी इनका जागरण नहीं होता, ऐसी स्थिति जब आ जाए तो ये दग्ध बीज भाव स्थिति कहलाती है। और ये स्थिति तो कितनी अच्छी होगी, ये स्थिति मनुष्य को कल्पना भी कितनी सुख देने वाली है। तो अभी हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति। जय हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर संस्कार चैनल व परमार्थ सेवा समिति के तत्वाधान में दिनांक 15 अप्रैल प्रातः 8 बजे से संस्कार व सत्संग चैनल के साथ करें सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ। आप सभी इस शुभ अवसर पर लाभ उठावें, संस्कार चैनल और परमार्थ सेवा समिति के साथ हनुमान चालीसा पढ़कर एक विश्व कीर्तिमान बनाएं। अपने संस्था का नाम चैनल पर प्रसारण हेतु आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं, संपर्क करें। राधे मैं कौन, मेरा कौन, इसका वास्तविक ज्ञान न होने के कारण संसार में जिस जिस पदार्थ की ओर उच्छृंखल मन आसक्त होता है, मनुष्य उसी को मेरा मानकर
संग्रह करने लगता है, किंतु प्रत्येक